हमारी तुम्हारी पोल खोल देता है। केन माने किसके कारण देखता है मनुष्य। केन उपनिषद एक उपनिषद है, उनको पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। ये कौन देख रहा है, ये कौन बोल रहा है, हमारे तुम्हारे शरीर में बैठ के ये कौन सूंघ रहा है, कौन बात कर रहा है। तो उत्तर रहता है केन माने अथ केन, किसके द्वारा, किसकी शक्ति से ये बोल रहा है, किसी शक्ति से चल रहा है, किसकी शक्ति से उठ रहा है, किसकी शक्ति से बैठ रहा है। ये सब बातें उस उपनिषद में विस्तार से बताई गई और वो ही हमको अनुभव कराया भगवान ने। इस बार एक एक पर्जा पुर्जा अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करवा दिया कि देख तू नहीं बोल रहा है, तू नहीं उठ रहा है, तू नहीं सुन रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषस्य चक्षुः मनसो मन। केन उपनिषद का पहला मंत्र है कि कौन है जो सूंघता है, कौन है जो देखता है, कौन है जो बोलता है। जीव नहीं बोल रही है ये तो इसके भीतर बोलने वाला कोई और है, सोचने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है। जब मनुष्य इस बात को समझ जाता है तब उसका सब अहम चला जाता है कि मैं कर रहा हूं मैं। फिर कहता है जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाए, कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माए। जो कुछ किया है तुमने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। हम लोग तो एक उंगली भी नहीं उठा सकते, हम लोग जीव हैं, जीव में कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया ना है, कहो कही जो मैं किया तुम ही थे मुझ माए। जीव जब ये समझ जाता है तब वो अपने अंदर करनेपन का अहम छोड़ देता है और सब समझता है कि भगवान ही कर रहे हैं। तो इस तरह से ये केनोपनिषद जो हमने पढ़ा था पहले, वो इस बात समझाया भगवान ने हमको अच्छी तरह से कि मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य के अंदर कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है उसी की है। ये बात जो उपनिषदों में कही गई है वो सही कही गई है। वही कान का कान है, आँख का आँख है, बुद्धि की बुद्धि है, सब कुछ वही है। ये स्थिति हमारे सामने आई, प्रैक्टिकल आई। प्रैक्टिकल माने डॉक्टर्स ने कहा कि हमारा एक बाल्ब फेल हो गया, अंतःकरण का चौथा हिस्सा, और चौथा हिस्सा फेल हो गया, अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं रही।